एक्चुअली मैं तो बिल्कुल भी वैसे रेडी नहीं होके आई हूँ, बिकॉज आई थॉट आपको वैसे भी बहुत शादी वादी देखने को मिलेगा मूवी में, सो एटलीस्ट नाउ आई लुक समथिंग डिफरेंट. बट या एंजॉय द मैरिज थिंग इन मूवी. मूवी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि इट्स अ वेरी स्वीट मूवी, कॉमेडी मूवी, तो आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा एंटरटेन होने वाले हैं अंदर जाके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आपके रिएक्शंस के लिए. सुमन एक बहुत ही इनोसेंट गर्ल है, गांव की लड़की है, सो यू नो हाउ गांव की लड़कियां आर, बिल्कुल भी चलाक नहीं, जो मम्मी पापा ने कहा वो मान लिया, पहली बार शादी में वो अपने हस्बैंड को मिल रही है, सो दैट काइंड ऑफ गर्ल शी इज़, एंड शी इज़ लाइक नेचुरली इनोसेंट एंड फनी इन हर ओन वे, शी इज़ नॉट डम बट शी इज़ फनी. So that you will see in the movie. आज के टाइम में ऐसा रोल करना मतलब कितना मुश्किल रहता है, कितना मुश्किल था, कितनी डिटेलिंग करनी पड़ी आपको? It was difficult because मैं बिल्कुल ही different हूँ सुमन से. अगर आप मुझे देखें, मैं शायद लाइफ में कभी इंडियन नहीं पहनती हूँ, और गांव जाना तो दूर की बात है, गांव तो मैं कभी गई ही नहीं हूँ. सो बहुत डिफरेंट था, तो मैंने वहीं गांव जाके ऑब्जर्व किया लोगों को, उसी से देखा कि वो लोग कैसे बात करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन से ही सीखा ऑब्वियसली, बिकॉज मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, और ऊपर से सुमन अनपढ़ है और मैं तो कुछ ज़्यादा ही पढ़ी लिखी हूँ, आई एम अ CA बाय क्वालिफिकेशन, सो वो बहुत मेजर स्थिति होती थी बिल्कुल. काफ़ी फनी सीन्स है, बट आई थिंक एक मेरा डायलॉग है विच इज़ लाइक थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म एंड इट्स वेरी फनी, दैट मैं हर बात पे, हर काम करने पे अपने पति को बोलती हूँ कि माँ ने कहा था ससुराल में सब सीख जाओगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता, लाइक मैंने अपने मायके में कोई काम नहीं किया है, एंड सडनली वहाँ जाके मैं ऐसा बोलती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, माँ ने कहा था ससुराल में सब सीख जाओगी. सो दैट इज़ द फनीएस्ट कैच लाइन फॉर सुमन एटलीस्ट. बहुत डिफरेंस है, पहले तो मतलब कितना स्वीट लव स्टोरीज होती थी, अभी तो क्या कितनी तो ऐप्स हैं, सो मेनी ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स यू हैव, मतलब एक क्लिक पे यू कैन फाइंड अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, लोग को तो मतलब बिना देखे भी प्यार हो जाता है, देख के तो मतलब लव एट फर्स्ट साइड एंड ऑल दैट, तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि चलता है तीनों चारों पाँचों, पहले तो इट वॉज़ लाइक ट्रू लव, केक है उसी के साथ लाइफ बितानी है, तो बहुत डिफरेंट था पहले. मैं इनकी नेबर हूँ, और ये जो एक्ट्रेस हीरोइन वो बिल्कुल मेरी बहू के जैसे है, और बहुत प्यारी, बहुत अच्छी, इनोसेंट, ऐसी बहुएँ आजकल कहाँ होती हैं. और इस पिक्चर में जो दिखाया गया है, दिस मूवी इज़ लाइक यू नो लव मैरिज इज़ ओके, बट दिस इज़ द लव विच कम्स आफ्टर मैरिज दैट लास्ट लॉन्गर. And it's a very cute movie. It's a nice, it was fun working with this movie. And it's a nice movie. And like, you know, innocent husband and wife and how they fight and how they love each other. And everything is good. And sir, आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? इसमें मैं हीरोइन के, इसमें मैं हीरोइन के भाई के दोस्त का करेक्टर कर रहा हूँ. एंड काफ़ी कॉमिक करेक्टर है. और ओवरऑल फिल्म में कॉमेडी है. बाकी लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज इसका कम्बिनेशन दिखाया गया है. आप किस तरह से क्या चीज़ एक्सेप्ट करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है. बाकी यही है मूवी ओवरऑल. बाकी आप फिल्म को देखने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या है. 1982 है, तो 82. मतलब हमें किस जमाने का मतलब इसे प्यार देखने को मिलेगा, उस समय का कि आज के समय का? 82 मतलब इतना तो इट इज़ नॉट एन एंशियंट मूवी, लेकिन गाँव में जैसे होता है कि दे आर वेरी इनोसेंट. They fight also, they love each other also, and they listen to elders, and वो देखने को मिलता है इस पिक्चर में कि डॉटर इन लॉ, शी इज़ नॉट माई डॉटर इन लॉ, शी इज़ माई नेबर, बट स्टिल शी रिस्पेक्ट्स मी सो मच दैट मैं जो बोलती हूँ वो करती है, एंड इट्स ग्रेट. जैसे कि गाँव में होता है कि मतलब एक दूसरे की बहुओं को काफ़ी टॉन्ट वगैरह नुस्खे दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं. नहीं नहीं, वो सब नहीं, कुछ इस तरीके से कुछ नहीं. नहीं नहीं, मैं तो उनकी मतलब आई एम मोर लाइक elder person, treated as an elder person in their family, and they both listen to me. At one point they fight and she goes away to her parents' house, and then I make him understand that how a girl comes to sasural, she adjusts herself in the sasural. So you have to, like, you know, you have to also love your daughter-in-law, love your wife, so that she feels that she is not in her in-law's house, she is in her mother-father's house. You have to love your daughter-in-law. A new person coming into the house should get a lot of respect, so that she doesn't feel that she's come into a different family.
nice thing is shown there. And sir, आप क्या कहना चाहेंगे? As a friend, कितनी सलाहें दी आपने दोस्त को? यार मैंने तो सलाहें काफ़ी दी है फिलहाल, लेकिन जो आपने बोला कि 1982 एंड 2016 इसका जो डिफरेंस है, इस फिल्म में यही सब चीज़ें हैं कि उस पीरियड में क्या होता था और आज क्या चल रहा है. अब तो काफ़ी कुछ चीज़ें काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, बट उस समय का जो एक रिस्पेक्ट होता था फैमिली के लिए और किस तरह से शादी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, दोनों का मिक्सचर है इस फिल्म में. अल्टीमेटली आपको बहुत मज़ा आएगा. Yeah. That love is longer lasting. Thank you. Yeah. Welcome. Yeah.